कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष सिद्धरमैया को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान ने मोर्टार और छोटे हथियारों से गोलीबारी कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन पर एक बार फिर से हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया भर में कर रहे हांगकांग के लोगों पर अपने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू करना चाह रही है, जो कि मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को कुचलने का एक निंदनीय प्रयास है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार मणिपुर में सुबह 5:52 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 8,968 नए केस सामने आए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई के बीच देश का नया स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया है। बता दें कि 2 साल से भी कम समय में इस पद पर यह तीसरा नियुक्त किया गया स्वास्थ्य मंत्री है। पंजाब में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के कारण 19 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 670 नए केस सामने आए हैं। ललुआना रोड पर हेयर ड्रेसर की दुकान पर दो गुटों में लड़ाई के दौरान गोली लगने और तेजधार हथियारों के साथ वार करने के साथ एक नौजवान की मौत और एक के घायल होने की खबर मिली है। मुंबई में भारी बारिश से वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पर मकर में पहाड़ी का एक हिस्सा गिर गया। बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता में पीठ आज अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो को ट्रांसफर करने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी।